ये नदी है, नदी भी नहीं है, ये नदी खड्ड खड्ड है। है सही ये पिछड़ो पीछे। ना टीरे थी तो हाँ गिल्ले अलग होना ना। मरोनी है बेटा, गाड़ी भी आ रही है ना। गाड़ी ये तो देखने वाली चीज। तो मंदिर भी घूमाए, मतलब जो सोचा नहीं था वो सब हो गया। और हम लोग आए थे लगभग 2 बजे के आसपास, और हमने सोचा था कि बस 1-2 घंटे के अंदर वापस भी आ जाएंगे, लेकिन फिर जैसे चले गए आगे मंदिर भी तो थोड़ा सा टाइम लग गया। और लगभग 6-6:30 बजे के आसपास फिर हम लोग घर पे पहुँचे। ये नकली पहले का ये। अच्छा, इनको मैंने बोला मैं कि आप लोग भी चाय पी करके ही आगे निकलो, तो फिर ये लोग भी हमारे साथ आए। और वही बात है ना कि जब भगवान जी ने जहाँ जहाँ बुलाया होता है ना, तो वहाँ पे जाना ही। आज मतलब हमने भी नहीं सोचा था कि हम पहले नीचे शिवद्वाला भी पहुँचेंगे, फिर यहाँ पर भी, और इन्होंने भी नहीं सोच रखा था कि हम यहाँ पे स्टे करके मतलब आगे जाएंगे। बस अचानक से ही मैंने भी बोला इन्होंने कि हाँ चलो चल के जाके आते हैं। तो बस पहले चाय पीने का ही प्लान था, फिर मैं क्या हम लोग मंदिर की तरफ जा रहे हैं, आप लोगों ने जाना है तो चल पड़ो, मतलब चलो ठीक है हम भी जाके आते हैं। तो बस वही बात है कि भाई सोचा होता है ना जो वो बहुत कम होता है, और जो नहीं सोचा होता है वो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। बस सारा है कि जो भगवान ने लिखा हुआ है ना हमारी तकदीरों में, वही सब होना है। चलिए चलिए।
भंडारा बहुत बड़ा। ठीक है, ओके ओके बेबी ओके। नहीं तो रहो यहीं पे, ठीक है ओके। अंगूरी बड़े मीठे हैं, काले वाले बड़े बड़े दिख। अपने अपने इकट्ठे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, सब्जी ले ली है हमने, तो देखते हैं घर पे क्या बनाया है, बनाना है भी हमने, मार्केट का सीन है ये। तो ये थोड़ा सा हमने सोचा कि जाते जाते थोड़ा क्लिपिंग करते जाए ताकि थोड़ा सा दिख जाए कि घर जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। हाँ वही ना, चक्कर खा रहे। हेलो। तो चलो तो चलो जल्दी जल्दी चलो, हाँ चलो 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 जल्दी 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 चलेंगे। स्ट्रीट लाइट है यहाँ पे, है नहीं एक्टिव नहीं है ये, देखो अंधेरा पड़ा हुआ है। दो दो स्ट्रीट लाइटें होने चाहिए यहाँ पे, ऊपर से नीचे तक बाजार का एरिया है, देखो अंधेरा पड़ा है। ये काम है नगर परिषद का, लेकिन बंदे काम ही नहीं करते हैं। आज मेरे बाथरूम की टाइल लगना शुरू हो गया, तो फिर ये डिज़ाइन तैयार किया जा रहा है जो हम लेकर के आए थे, मतलब वहाँ से। तो समझ नहीं आ रहा क्योंकि सारी पेटी में अलग अलग टाइल्स है ना। हाँ जी हाँ जी, क्या बोल रहे हैं आप? बोल सकते हैं, बोलिए, तनिक जोर से बोलिए। मैं तनिक ये बोलूंगी डिजाइन बना दिए अपने हाली का है। तो ऐसा सा डिजाइन बनेगा ये कुछ। मैचिंग करा ना इसे किससे? वो तो है ना, हाँ सैंपल तो दिखा रहा है, मेरा मतलब था हाँ ऐसे। अभी तो मैं सिर्फ ऐसे दिखा रहा हूं, अभी बता रहा है कहां कौन कौन सी पेटी में कहां 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 है ये। ये देखो, ये जितनी लाइनें जानी है ना, ये भी ऊपर को जानी है, ये भी और ये भी, तीनों चारों जो भी है लाइन, ये सब ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही जाएगा। अभी तो मैं वैसे आपको दिखा रहा हूं, मतलब डिजाइन यही है ना फोन में, बस ये दिखा रहा हूं, दिखा रही हूं मैं फोन में नहीं जा रही। नीचे को ये तो टूटी है, एक कुछ नहीं है भाई, एडजस्ट हो जाएगी ये। ये तो मैं थोड़ी दूर आऊं, ये भी थोड़ा आया, देखिए चलो भाई। हाँ महाराज चलता। ये कितने जा रहे हैं थोड़ा मार्केट ना? आज है शिवरात्रि और आज है भंडारा, और यहाँ पे बंदे कर रहे हैं कि तो आप भंडारे जा रहे हो? भंडारे नहीं, वो तो बाद में जाएंगे, बस थोड़ा काम है बैंक में मुझे, तो ऐसा बोलो। तो उसके बाद ये बंदे यहाँ और जो काम करने वाले, मैंने इनको कहा 10-15 मिनट में आ रहे हैं, तो कर लेंगे ये। आप ये गिनो, मैं इसको। ये दो टी है, एक टी ये है कि एक ऊपर है, तीन टी है ये। ये एक्चुअली हमने जाना था नीचे, पेंडिंग पेमेंट रह गया था थोड़ा सा, तो वो क्लियर करने जाना था, इसलिए मैं क्या फटाफट से जाके आते हैं। और मतलब दोनों की ही ज़रूरत थी, ऐसे पतिदेव ने करके आना था, लेकिन जो चेक देना था ना उसमें मेरे साइन होने थे, तो फिर इन्होंने बोला कि चल तू भी चल पड़, 10 मिनट में हम लोग करके वापस आ जाएंगे। तो बस फिर हम दोनों गए, और टाइल वाले मिस्त्री लगे ही थे, तो आप बोलोगे कि फिर से वही ऐसे छोड़ के आज चले जाते हो, तो कभी कभी मतलब मजबूरी में करना पड़ता है, वही बात आ जाती है ना कि बुजुर्ग ना होना घर में तो बड़ी दिक्कतें आती हैं, फिर हर एक चीज़ को खुद से फिर हैंडल करना पड़ता है या फिर भरोसा करना पड़ता है, दोनों में से एक चीज़ तो होती होती है। तो चलिए अभी क्या कर सकते हैं, मजबूरी हर चीज़ सिखा देती है इंसान को। तो बस मैं बस हम 10 मिनट के अंदर अंदर ही वापस आ गए, जो भी क्लियरेंस था वहाँ पे करके, ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। मैं क्या सबसे पहले मैं आ करके यही देख रही मैं क्या कहाँ पे हैं अभी मिस्त्री लोग, क्या काम कर रहे हैं। पहले मैं ऊपर पहुँची, ऊपर नहीं थे वो लोग, तो यहाँ पे बताया था मैंने, मैं क्या यहाँ से स्टार्ट करना अभी, क्योंकि नीचे की फ्लोरी का फिर ना सारा कंप्लीट हो जाएगा, तो मेरे लिए भी ईजी हो जाएगा कि सारा फिर मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी और फिर उसके बाद ऊपर का चलेगा। तो बस फिर मैं एक बार देख के आई, चेक करके आई, और काम हो रहा था, फिर बस इनके लिए मैंने चाय बनाई।
मैं क्या शांति से थोड़ी देर फिर अपना वीडियो एडिट तो करती हेलो फ्रेंड्स कैसे हो, आई होप अच्छे होंगे। तो आज क्या है, आज है शिवरात्रि का दूसरा दिन, मतलब कि आज भंडारा होता है हर जगह जहाँ भी शिव के मंदिर होते हैं। तो आज सुबह ही वंदना, कल भी था पर मैक्सिमम शिव दौरे ना वहाँ पे अच्छा, भी कल था। तो आज मतलब कल वंदना फास्ट किया था, आज इसने मॉर्निंग में खोला हो तो मतलब एक पूरा दिन नहीं नहीं वैसे तो कुछ नहीं, मैं भी नवरात्र व्रत करता था 9-9 दिन पर आजकल नहीं करता, आजकल छोड़ रखा है मैंने। तो जब अच्छा होता है, फास्ट से बीपी वगैरह कंट्रोल रहता है और कई फायदे हैं, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं फास्ट करने के भी। ऐसा ही नहीं है कि भाई भगवान के आस्था के उससे ही हम फास्ट, थोड़ा मशीनरी को भी रेस्ट देना चाहिए, शरीर को भी रेस्ट देना चाहिए। हाँ जी, और बाकी फिर हम भी जाएंगे भंडारा खाने, और बच्चे गए हैं स्कूल, अभी आए नहीं हैं। आज हम ना मॉर्निंग में ही मतलब अपने सारे काम निपटाए मैंने, क्योंकि सुबह सुबह ही एक तो जल्दी उठ गई थी, बच्चे स्कूल भेजे, फिर अपना वो जो भी ब्रेकफास्ट। अच्छा, पहले जल्दी नहीं उठती थी? नहीं नहीं, पहले कहाँ उठते थे, तो हाँ लॉकडाउन में तो नहीं उठते थे ना, पर जब से बच्चे स्कूल जाने लगे ना, हाँ बोल बोल बोल, तब से तो टाइमली उठते हैं ना। पर ये है कि भाई सुबह सुबह ना मैं ऐसे इतनी जल्दी नहा धो करके तैयार नहीं होती थी, तो मैं व्रत खोलना था तो इसलिए फटाफट से नहा करके पहले अपना वो सारा काम कम्प्लीट किया, और फिर उसके बाद भाई फिर अब लग काम करना लग जाता है ना इंसान, तो एकदम मतलब मोशन में होता है, उसी मोशन में। तो सारा घर का काम क्लियर करके सारा कुछ जो भी था, फिर थोड़ा सा वीडियो एडिट का था वो भी मैंने हल्का पुल्का कर दिया, क्योंकि और हाँ फिर चलाया ना टाइलों का, और थोड़ा सा पेमेंट पेंडिंग पड़ी हुई थी ना तो वो भी पे कर दी, वो भी क्लियर कर दिया। मतलब उनका जो हमारा लोहे वाला काम था ना, इसका ट्रस का था, और फिर सीलिंग का हुआ, रेलिंग का हुआ, वो सारा फिर थोड़ी बहुत उसकी जो पेमेंट बच गई थी ना वो भी क्लियर कर दी। मतलब जो ये लोहे लोहे वाला काम था वो सारा क्लियर हो गया, प्लस्तर का जो था उन्होंने भी मतलब थोड़ा पेंडिंग छोड़ा हुआ था काम तो थोड़ा सामान लोहा ही बच गया ना, एक शीट बच गई थी लोहे की, वही बैक करनी है। हाँ, और फिर मतलब क्लियर हो गया उनका जो भी होना था, और बाकी जो प्लस्तर का है उनका भी क्लियर हो गया है, पर हाँ काम रह गया है, पैसा हमने पूरा क्लियर कर दिया। फिर से वही गलती कर देते हैं हम लोग, पर चलो, चलो कोई बात अभी नहीं, अभी एक ही दिन का काम रह गया है उनका तो वो कर देंगे, ऐसा बोला उन्होंने। मैं क्या चलो अब देने तो है ही आज भी कल भी, पर हाँ कुछ लोग फिर गड़बड़ कर देते हैं। और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब। ये नहीं शीशा मुझे लग रहा है खराब हो गया, अभी चेंज करना पड़ेगा। हाँ वही ना, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक एंड शेयर कर लेना। और आजकल डैडी के चैनल में भी हम शॉर्ट्स डाल रहे हैं, जैसे रियल व्यूज डाल रहे हैं, जैसे जो भी चीज़ें मंगवा रहे हैं तो उनका रियल रिव्यू अनबॉक्सिंग वीडियोस डाल रहे हैं ना, मतलब तो डैडी के चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मैंने ना भूले। उनको खोलना नहीं होता ना, मतलब कैमरा पे ही खोलती हूँ, जो चीज़ जैसे ही निकली वैसे ही, जो जैसे मिरर का हादसा हो गया तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया कि ऐसा, वो फिर बड़ी मुश्किल से मैंने उसे ठीक किया है, मतलब 500 रुपये का मिरर और उसकी फिर मतलब वैसी हालत, और फिर ठीक करते हाँ, करते चलो और बस फिर ना अच्छा, चलो फिर ठीक है आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट। ओके थैंक यू, हैप्पी शिवरात्रि। ओके हैप्पी शिवरात्रि।